आज हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू फाइंड दी nth डेरिवेटिव एट x इक्वल टू जीरो। अब तक हमने nth डेरिवेटिव को निकालना सीखा बाय लेबनीज़ थ्योरम। आज हम nth डेरिवेटिव निकालने के बाद उस डेरिवेटिव की x इज इक्वल टू जीरो पर क्या वैल्यू आएगी वो निकालना सीखेंगे। क्वेश्चन के द्वारा जो है हम इस कंसेप्ट को सीखेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्केयर वाई एन प्लस टू माइनस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन स्केयर वाई एन इक्वल टू जीरो। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एन एट x इक्वल टू जीरो। तो नाउ हम स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, सो द डेरिवेटिव इज वाई वन इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1 माइनस एक्स स्केयर अंडर द रूट। उसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 माइनस एक्स स्केयर अंडर द रूट वाई वन इज इक्वल टू 1 एंड स्केयरिंग ऑन बोथ साइड सो 1 माइनस एक्स स्केयर वाई वन स्केयर इज इक्वल टू 1। अगेन हम डेरिवेटिव करेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास माइनस टू एक्स वाई वन स्क्वेयर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वेयर टू वाई वन वाई टू इज इक्वल टू जीरो। अब हम यहाँ से टू वाई वन को कैंसिल कर देते हैं तो ये हमारे पास माइनस एक्स वाई वन प्लस वन माइनस एक्स स्क्वेयर वाई टू इज इक्वल टू जीरो। हम इसको लिख सकते हैं वन माइनस एक्स स्क्वेयर वाई टू माइनस एक्स वाई वन इज इक्वल टू जीरो। देन बाय द लेबनीज़ थ्योरम अब हम nth डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। तो nth डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई एन प्लस टू प्लस एन सी वन माइनस टू एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन सी टू माइनस टू वाई एन माइनस एक्स वाई एन प्लस वन एंड प्लस एन सी वन इंटू वन वाई एन इज इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ से जो है इसको कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई एन प्लस टू माइनस टू एन एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन इंटू एन माइनस वन वाई एन माइनस एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन वाई एन इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई एन प्लस टू माइनस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन स्क्वेयर वाई एन इज इक्वल टू जीरो। अब हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। सबसे पहले हम पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू जीरो एट वाई, वाई इज इक्वल टू जीरो में हम पुट करते हैं। वाई की वैल्यू हमारे पास थी साइन इनवर्स एक्स। अगर आप यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो साइन इनवर्स जीरो इज जीरो, तो वाई जीरो इक्वल टू जीरो। फिर हम निकालेंगे वाई वन की वैल्यू जीरो पे। वाई वन की वैल्यू हमारे पास है ये दे रखी थी, तो यहाँ पर अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो पुट करूँ तो एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो वाई वन स्क्वेयर इज इक्वल टू वन। तो सो वाई वन जो है हमारे पास वो यहाँ पर आ जाएगा वन। यहाँ पर भी आप पुट कर सकते हो, यहाँ पर अगर x इक्वल टू जीरो में यहाँ पे पुट करो इसमें, तो ये y1 इज इक्वल टू हमारे पास जो है क्या आ जाएगा y1 जीरो इज इक्वल टू यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वन। तो यहाँ पर y1 जीरो हमारे पास आ गया वन। फिर हम निकालते हैं y2 जीरो की वैल्यू। अब y2 जीरो की वैल्यू आप वहीं पर पुट कर सकते हैं nth डेरिवेटिव निकालने से पहले जो आपने निकाली थी, ये हमारे पास जो है इधर यहाँ पर अगर मैं जीरो पुट कर दूँ तो ये हमारे पास वन माइनस जीरो वन, तो वाई टू, और यहाँ पर ये जीरो, तो ये हमारे पास आ जाएगा कि वाई टू जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास वाई टू की वैल्यू जीरो आ जाएगी, ये जीरो। अब अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ वैल्यू जीरो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा वाई एन प्लस टू एट जीरो माइनस, यहाँ पे करेंगे तो ये जीरो, इसको उधर लेके जाएंगे तो इज इक्वल टू एन स्क्वेयर वाई एन एट जीरो। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं हमारे पास वाई जीरो की जीरो, वाई वन की जीरो, ना वाई वन की वन एंड वाई टू की जीरो। अब हम यहाँ पर एन की वैल्यू वन पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा वाई थ्री जीरो, वाई थ्री जीरो इज इक्वल टू यहाँ पे वन का होल स्क्वेयर और वाई वन जीरो, वाई वन जीरो की वैल्यू वन, सो वन स्क्वेयर हमारे पास जो है यहाँ पे आ जाएगा।
उसके बाद हम फोर पुट करते हैं, टू पुट करते हैं, एन की वैल्यू टू पुट करते हैं यहाँ पे वाई 4 0 और यहाँ पे टू स्केयर, हाँ टू स्केयर और वाई 2 0। अब वाई 2 0, वाई 2 की वैल्यू हमारे पास 0 है तो ये 0। फिर हम पुट करते हैं एन की वैल्यू 3, तो ये आ जाएगा वाई 5 0, तो ये यहाँ पर 3, एन की वैल्यू तो 3 है ना, तो यहाँ पर ये 3 स्केयर इंटू वाई एन वाई 3 इंटू 0, तो वाई 3 0 की हमारे पास जो वैल्यू है वो है 1 स्केयर, तो ये 3 स्केयर इंटू 1 स्केयर। अगेन हम जब वाई 6 निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 स्केयर इंटू वाई 4 0। अब वाई 4 की वैल्यू 0 है तो ये 0। अब आप एक बात यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, जब जब हम ओड नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं वाई 1 0 एंड वाई 3 0 एंड वाई 5 0, तो हमारे पास एक सीक्वेंस बनती है, जैसे 1 1, ये हमारे पास 1 स्केयर है, उसके बाद है 1 स्केयर 3 स्केयर, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1 स्केयर 3 स्केयर 5 स्केयर। जब आप इवन निकालते हो तो इवन में वाई 2 0 है, वाई 4 0, वाई 6 0, तो इसका मतलब जब हम इवन वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास जो है 0 टर्मिनोलॉजी आती है। जैसे कि अब हमने वाई 1 0 निकाला, वाई 1 0 की वैल्यू थी 1 स्केयर और वाई 3 0 की हमारे पास वैल्यू थी 3 स्केयर इंटू 1 स्केयर। वाई 5 0 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5 स्केयर 3 स्केयर और 1 स्केयर। ऐसे जब आप इवन में निकालेंगे वाई 2 0 इज इक्वल टू 0 है, वाई 4 इक्वल टू 0 और वाई 6 इक्वल टू 0, तो हम ये कह सकते हैं कि वाई एन 0 इज इक्वल टू 1 स्केयर 3 स्केयर 5 स्केयर अप टू एन माइनस 2 स्केयर इफ़ n इज ओड एंड दिस इज 0 इफ n इज इवन। तो है इस क्वेश्चन के द्वारा आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कोई अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन के द्वारा जो है आपको nth डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 पे निकालते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लस x² अंडर द रूट पावर वाई एम। हमने निकालना है वाई एन इज 0, वाई एन एट 0, वाई एन की वैल्यू हमने निकालनी है एट 0 पे। सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो m इंटू एक्स प्लस 1 प्लस x² अंडर द रूट m माइनस 1 एंड x हमारे पास इसका 1 और ये 1/2 1 प्लस x² इंटू 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास m इंटू एक्स प्लस 1 प्लस x² अंडर द रूट m माइनस 1 इंटू 1 प्लस x / 1 प्लस x² अंडर द रूट। अब अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करती हूँ तो y 0 की वैल्यू तो हमारे पास 1 आ जाएगी, ये 0 ये 1, तो y 0 तो हमारे पास 1 है। अगर मैं यहाँ लिखूँ तो y 0 इज इक्वल टू 1 एंड y 1 में अगर मैं 0 पुट करूँ, y 1 में 0, तो ये हमारे पास 0 ये 1, तो m ये 0 तो इंटू 1 इज इक्वल टू m हमारे पास आ जाएगा। अब हम y 2 निकालेंगे, y 2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m इंटू ये इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे x प्लस, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1 प्लस x² / 1 प्लस x² अंडर द रूट, तो इसकी पावर m माइनस 1 यहाँ पे और एक पावर यहाँ पे, तो m हो जाएगी ये m इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस x² रेस्ट टू द पावर m, अभी तक ये y 1 ही है, अपॉन 1 प्लस x² अंडर द रूट। तो ये जो वैल्यू हमारे पास ये y की है, तो हमारे पास y1 आ जाएगा एम वाई अपॉन 1 प्लस x² अंडर द रूट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस x² अंडर द रूट वाई 1 इज इक्वल टू एम वाई, फिर हम स्केयर करेंगे दोनों साइड तो 1 प्लस x² वाई 1 स्केयर इज इक्वल टू एम स्केयर वाई स्केयर। अब हम यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस x² 2y1y2 + 2xy1² इज इक्वल टू एम स्केयर 2y y1। बोथ साइड से हमारे पास जो है 2y1 कैंसल, तो ये आ जाएगा 1 प्लस x² y2 + xy1 इज इक्वल टू एम स्केयर वाई। इसके बाद आप बाय लेबनीज़ थ्योरम, आफ्टर एन टाइम आपके पास डेरिवेटिव आएगा 1 प्लस x² yn + 2 + nc1 2x yn + 1 + nc2 into 2yn +
एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन इंटू वाई एन इज इक्वल टू एम स्क्वेयर वाई एन। इसको सोल्व करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वेयर वाई एन प्लस टू प्लस टू एन प्लस वन इंटू एक्स वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर वाई एन। अब हमने वाई जीरो की वैल्यू निकाली थी, वन आई थी। वाई वन की वैल्यू निकाली थी जीरो पे, वो आपके पास एम आई थी। आप वाई टू की वैल्यू निकालोगे जीरो, यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो ये जीरो वाई टू, ये जीरो और ये एम स्क्वेयर वाई, यानी कि वाई टू जीरो की वैल्यू हमारे पास वाई स्क्वेयर एम स्क्वेयर आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जब आप करोगे वाई जीरो वो वैल्यू है वन। उसके बाद आपने वाई एन प्लस टू एट जीरो निकालना है, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये जीरो तो ये आ जाएगा एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर वाई एन एट जीरो। तो यहाँ से जो है हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स पे तो क्या आएगा और ओड नंबर ऑफ टर्म्स पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी। अब हमारे पास वन है टू है तो थ्री करेंगे तो ये वाई थ्री जीरो इज इक्वल टू एम स्क्वेयर माइनस वन स्क्वेयर इंटू वाई वन जीरो। वाई वन की वैल्यू है एम, तो एम स्क्वेयर माइनस वन स्क्वेयर इंटू एम। जब आप वाई फोर जीरो निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा एम स्क्वेयर माइनस टू स्क्वेयर एंड वाई टू जीरो, वो वैल्यू हमारे पास है एम स्क्वेयर माइनस टू स्क्वेयर और वाई टू जीरो की है एम स्क्वेयर। फिर आप वाई फाइव निकालेंगे तो आपके पास आएगा एम स्क्वेयर माइनस थ्री स्क्वेयर एंड वाई थ्री जीरो, वाई थ्री जीरो की वैल्यू है ये, तो हम पुट करेंगे यहाँ पर ये एम स्क्वेयर माइनस थ्री स्क्वेयर इंटू एम स्क्वेयर माइनस वन स्क्वेयर इंटू एम। वाई सिक्स निकालेंगे तो वाई सिक्स में हमारे पास एम स्क्वेयर माइनस फोर स्क्वेयर इंटू वाई फोर जीरो, वाई फोर की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हैं ये, तो एम स्क्वेयर माइनस फोर स्क्वेयर इंटू एम स्क्वेयर माइनस टू स्क्वेयर सो एम स्क्वेयर। तो यहाँ से आप जनरलाइज कर सकते हो जब आपके पास ओड नंबर ऑफ टर्म है वाई एन इज इक्वल टू जीरो, तो आपके पास ओड नंबर ऑफ टर्म है, देखो फर्स्ट में एम, थ्री में हमारे पास एम इंटू एम स्क्वेयर माइनस वन स्क्वेयर, फाइव में एम इंटू मतलब एम इंटू एम स्क्वेयर माइनस वन स्क्वेयर एम स्क्वेयर माइनस थ्री स्क्वेयर अप टू एम स्क्वेयर माइनस एन माइनस टू स्क्वेयर। ये आएगा जब हमारे पास क्या है ओड वैल्यू है इनकी, और जब इवन वैल्यू है तो हमारे पास इवन में वाई टू एम स्क्वेयर, वाई फोर में एम स्क्वेयर इंटू एम स्क्वेयर माइनस टू स्क्वेयर, तो ये एम स्क्वेयर इंटू एम स्क्वेयर माइनस टू स्क्वेयर, फिर एम स्क्वेयर माइनस फोर स्क्वेयर अप टू ये आ जाएगा एम स्क्वेयर माइनस एन माइनस टू होल स्क्वेयर, जब हमारे पास एन की वैल्यू इवन है। सो थैंक यू वेरी मच।